क्षमता है, आप परिश्रम करते हैं तो किसी के साथ संविधान किसी भी प्रकार का भेदभाव करने का अधिकार किसी को नहीं। इन दिनों आरसीपी सिंह बिहार के अलग अलग जिलों के दौरे पर और घूम रहे हैं। और बता दें आपको कि लोग लगातार बिहार के मुख्यमंत्री कैसा हो तो आरसीपी सिंह जैसा होकर नारे जो है लगातार जो लोग हैं वो लगा रहे हैं। कल जो है आरसीपी सिंह मधुबनी और दरभंगा जा रहे थे तो हमने आपको तस्वीर दिखाई किस तरीके से महिलाओं में उत्साह था। आरसीपी सिंह को देखकर तमाम लोग ये नारे लगा रहे थे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो। वहीं आपको बता दें कि कल रात आरसीपी सिंह जो है वो मधुबनी पहुँचे थे। मधुबनी पहुँचे जहाँ मधुबनी जिले के एकता चौक मंझौल ग्राम में हजारों हजार की असंख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग उन्हें संबोधित किया। वहीं क्या कुछ लोगों को अल्पसंख्यक समाज को लोगों को संबोधित करते हुए आरसीपी सिंह ने कहा आपको छोड़ जाते हैं, आप सुनिए इस वीडियो में। कि कोई भी व्यक्ति देश का सबसे जो उच्चतम पद है उसको प्राप्त कर सकता है। आज अपने देश का राष्ट्रपति कौन है, नाम बताइए। अपने देश के राष्ट्रपति का नाम बताइए। द्रौपदी मुर्मू कहां की रहने वाली है? उड़ीसा। किस समाज से आती है? जो समाज सबसे पिछड़ा था, जनजाति समाज, जिसको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज। इसके पहले कौन थे जो हमारे बिहार के पहले गवर्नर थे? कौन? रामनाथ कोविंद। वो कहां से आते? नहीं, यूपी से। किस समाज से आते थे? अनुसूचित जाति। उसके पहले प्रणब मुखर्जी, उसके पहले एपीजे अब्दुल कलाम साहब। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम आप सुने होंगे। वो कहां करने वाले थे? छोटे से परिवार के थे, लेकिन ये देखिए अपने भारतवर्ष का संविधान, ये उस व्यक्ति की मेधा थी और इस देश के राष्ट्रपति बने। ये है, अगर आप में क्षमता है, आप परिश्रम करते हैं तो किसी के साथ संविधान किसी भी प्रकार का भेदभाव करने का अधिकार किसी को नहीं। आज आपके सामने मैं स्क्रीन रख रहा तब आपको समझ में आ जाएगा। भारतवर्ष की योजना है किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, जानते हैं इसको? जितने भी किसान है इस देश में, चाहे उसके पास एक कट्ठा जमीन हो या सीलिंग जितनी जमीन हो उतना तक हो, सबको, चाहे वो किसी जाति के, किसी धर्म के मानने वाले हो, सबके खाता में 6,000 रुपया जाना है। सबके खाते में जाना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। जो प्रधानों का पेंशन है उसमें भी वही हाल है। किसी भी सरकारी योजना का नाम उठा ली, अभी देखिए गरीब अन्न जो कोरोना के बाद, जरा देखिए साहब पहले क्या होता था इस देश में, कितनी भुखमरी थी, कितने लोग मरते थे बड़े बड़े जब उसमें महामारी होती थी। अपने देश में आज से 100 साल पहले 5 करोड़ लोग मर गए थे।